नमस्कार साथियों, मैं संदीप वर्मा लक्ष्य अकेडमी श्योपुर से आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। वो MBBSC के टॉपिक वाइज रहेंगे, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर बने रहें और देखते जाएँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है MBBSC का, हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुथार। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्ले मिंटो सुथार के बारे में कि मार्ले कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि 1909 के समय भारत सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा भारत का सचिव। तो भारत सचिव कौन थे आपके, तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माले। याद रखिएगा लॉर्ड माले क्या थे, भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो तो ये भारत के हमारे यहाँ पर क्या थे, वायसराय बोल सकते हैं या फिर गवर्नर जनरल, जो भी उनकी थी पोस्ट है वो गवर्नर थे। तो ध्यान रखिएगा मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे हमारे यहाँ पर क्या थे, मिंटो थे हमारे यहाँ पर वायसराय। अगर हम बात करें इसने भारत में कुछ सुधार लाए थे, अब वो सुधार क्या क्या थे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सर अरुणदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 से लागू किया गया। कब लागू किया गया, फरवरी 1909 से इसे लागू किया गया। किसकी समिति की सिफारिश पर, तो ध्यान रखिएगा सर अरुणदेव। आपसे पूछा जा सकता है किसकी समिति के हिसाब से, तो याद रखिएगा सर अरुणदेव की समिति के रिपोर्ट के आधार पर। अगला है आपका केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या। याद रखिएगा जो हमारा केंद्रीय परिषद है उसमें आपके सदस्यों की संख्या 16 से बराबर कितनी कर दी गई थी, 60 कर दी गई थी। याद रखिएगा हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है 16 से कितनी कर दी गई, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामर बन सकते हैं, इनका डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे जो मेन पार्ट इस अधिनियम का था, वो अधिनियम का पार्ट था कि इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान को ही वोट डालेगा और हिंदू कैंडिडेट सिर्फ हिंदू को ही वोट डालेगा। मतलब एक ऐसी प्रणाली चालू कर दी गई जिसके अंतर्गत क्या किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था शुरू कर फुट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। ध्यान रखिएगा क्या किया गया, फुट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। इससे सिर्फ मुस्लिम वर्ग को ही फायदा मिला, और इसके बाद लॉर्ड जो आपके मार्ले हैं उन्होंने क्या कहा था कि भारत जो है, भारत के लोग स्वशासन के लायक ही नहीं है। ये ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज करे थे जब इस अधिनियम को लागू करा था उससे पहले, कि भारत के लोग क्या नहीं कर सकते, भारत के लोग स्वशासन नहीं कर सकते। इसके बाद फिर सदस्यों को बजट में विवेचना करने लोकहित के विषयों पर चर्चा करने एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर बात करें तो क्या लिखा है, जो हमारा बजट है, हम बजट को जब अंग्रेज सरकार हमारे आगे बजट देती थी तो हम मुख दर्शक बनकर देखते रहते थे। 1857 के बाद से इनकी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1774 से, जब से क्या हुआ, सिर्फ हम मुख दर्शक बनकर बैठे रहते थे, देखते थे। तो हमको एक अधिकार दिया उन्होंने कि क्या कर सकते थे आप, सदस्यों को बजट में विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इसके तहत हमें। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके तहत हमें ये क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके बाद है सर्वप्रथम भारत की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य, भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भारतीयों को, तो हमारे इसमें इसकी कोई काउंसिल बनती थी तो हम भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, पर यहाँ से उन्होंने नई प्रथा शुरू करी कि भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो सबसे पहले दो भारतीयों को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा जो दो भारतीयों के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर एक है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इसके अंतर्गत क्या किया गया, शामिल किया गया। और ये शामिल जो इनको किया गया तो ये कहाँ पर शामिल किया गया, इंग्लैंड में। याद रखिएगा भारत में नहीं, इंग्लैंड वाली जो इनकी परिषद थी उसमें इसको शामिल किया गया। तो यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें इसको लेकर के सभी भारतीय, इस वाले अधिनियम को लेकर के सभी भारतीय नाखुश थे। इसी के बाद हम अगले आने वाले एपिसोड में बात करेंगे 1919 के अधिनियम की, जो भारत में लागू किया गया था।